इन दिनों मौसम में अचानक हो रहा परिवर्तन अब आम उत्पादकों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है, जिसके चलते गुरुवार तड़के सुबह आए आंधी तूफान ने आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। कुदरत की इस मार से आम का उत्पादन करने वाले किसान करहा उठे हैं, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। दरअसल बरेली के बिथरी चैनपुर ब्लॉक क्षेत्र में गुरुवार तड़के सुबह आए तेज आंधी तूफान ने इलाके में बीसलपुर बरेली रोड पर मरेला चौकी के पास बिंसन फार्म आम बाग, चौधरी बाग और मिश्रा बाग समेत कमुआ में मेयर साह के बाग में आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसको लेकर बिंसर फार्म आम बाग के स्वामी प्रताप सिंह का कहना है कि सुबह कई घंटों तक चले आंधी तूफान ने एक बार फिर अच्छी आमदनी के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। वहीं चौधरी बाग में आम की फसल खरीदने वाले मीरगंज निवासी बागवान मुख्तार अहमद बताते हैं कि उन्होंने अपने चार साथियों के साथ मिलकर 20 लाख रुपए में करीब 100 बीघा बाग के आम की फसल खरीदी है, जिसका इस बार मार्च में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से काफ़ी हद तक फूल ही खराब हो चुका है। लेकिन कड़ी मेहनत और लागत के बूते किसी तरह थोड़े फलों को बचाकर अब तैयार कर ही पाए थे कि इस बीच कुदरत की मार ने एक बार फिर उनकी कमर तोड़ दी है। मुख्तार अहमद बताते हैं कि करीब 50 कुंतल आम का फल टूटकर ज़मीन पर बिखर गया है। अगर यह आम एक महीने और पेड़ पर रुका रहता तो करीब 200 कुंतल वजन का हो जाता, शायद यह कुदरत को मंजूर ही नहीं था। वहीं अपनी पीड़ा बताते हुए मुख्तार कहते हैं, ऐसे में उन्हें बाग मालिक के बकाया भुगतान करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें कमुआ गांव में मेयर साहब के बाग की, तो इस बाग में आम की फसल को रिठौरा नगर पंचायत निवासी रियाजुल रहमान ने खरीदा है। उनका कहना है कि इस आंधी ने उनके बाग में कई पेड़ उखड़ गए हैं। वहीं बड़ी मात्रा में पेड़ से टूटकर ज़मीन पर बिखरे आम ने उनके सपनों को भी बिखेर दिया है, क्योंकि ये फसल मिट्टी के मोल बिक रही है। हालांकि इस सीजन में उन्हें अच्छी आमदनी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा होता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं आम उत्पादकों ने सरकार ने इस नुकसान के लिए भरपाई की मांग करते हुए कहा, अगर सरकार की तरफ से थोड़ी मदद मिल जाती तो उन्हें राहत की उम्मीद थी, लेकिन कभी वह भी मैसर नहीं होती। नुकसान तो भाई साहब देखिए बहुत ज़्यादा हुआ है। आंधी अब सुबह 4 बजे से चलिए 3-4 घंटे, और जितना मोटा आम था लगभग 90% आम नीचे गिर गया। और इससे पहले भी मार्च के महीने में जब छोटा दाना था तब भी बारिश ओले गिरे, उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ। तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग तो यही है उनकी, कोई ऐसी फसलों के लिए कोई नीति है ही नहीं, उन्हें नीति बनानी चाहिए, कोई मुआवजा देना चाहिए, जैसे धान गेहूँ मिल जाती है जी। हमारी तो यही मांग है, तुम्हारी सुनवाई की जाए। हमने लिया है साहब 6 लाख रुपए का जी। 6 लाख में मतलब ऐसा है कि पहले तो बारिश वो आंधी वो बारिश हुई थी तो बारिश में सड़ गया था हम। अच्छा। फिर बाकी हमने धुलाई करने से बचा लिया उसको। बचाने के बाद में ये मतलब ऐसा है कि आंधी आई तो सारी आम गिर गया साहब। 6 लाख रुपए का लिया था, 6 लाख रुपए का अब कैसे देना है, कैसे नहीं देना है मालिक को, समझे। अब सारा आम गिर गया समझे, 300 कुंटल आम अंदाज रहे थे समझे, तो कम से कम तो आधा गिर गया समझे। कैसा अगर नुकसान होता है क्या सरकार इसमें मदद करती है, पैसा देती है? या सरकार अगर मतलब ऐसा कि मदद करेगी तो मिल जाएगा, ना तो अच्छा। ना करेगी तो नहीं मिलेगा। और अच्छा, वैसे आप क्या मांग करते हैं, क्या ऐसी कोई? हम तो सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि बहुत बार धन्यवाद, मतलब ऐसा कर अगर हमारा जो मालिक के पैसे निकल जाए और जी समझे, जो मालिक को 6 लाख रुपए कहाँ से देंगे आप? पहले तो जब फूल था जी, जब बेमौसम बारिश हुई तो बेमौसम बारिश ने हमारी तो बगीचों वालों की तो कहानी खराब हो गई, यानी ना के बराबर आम रह गया। उसी टाइम भी मतलब ओले में बारिश ने, और जब फूल था तो हवा और बारिश हुई काफी तेज, ओले गिरे, उसमें सारा फूल झड़ गया। अब झड़के जैसे तैसे तो बचा मिला थोड़ा बहुत। आज कुदरत का कहर ऐसा हुआ है कि 5 घंटे आंधी तूफान चलने के बाद में हमारे तो आम के बगीचे के पेड़ भी उखड़ गए। तो पेड़ जब उखड़ गए तो हमारे पास बचा ही क्या है, तो हमारे पास तो इतनी दवाइयों से इतनी उससे कुछ ना कुछ लागत से लगा पाए, जोड़ पाए, जो भी बचा पाए आम, अब वो कुदरत का कहर ने हमारा सारा। अच्छा, सरकार से ऐसी क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से ये उम्मीद करते हैं फसल वालों को, गेहूं वालों को, धान वालों को सरकार मुआवजा देती है, तो हम लोगों को बगीचे वालों को क्यों नहीं देती? अच्छा, आपको भी मुआवजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए।
अब ये है कि हम जो रकम है बगीचे में जो दवाइयां लगी हैं, 5-6 लाख की दवाई लग चुकी है इस बगीचे में, कि उसके भी भरपाई निकलना मुश्किल है। और बगीचे वाले की तो बाबूजी की तो रकम रह गई, बाकी वो अलग है।